एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है क्योंकि आज है काउंटिंग डे और एक लंबे इंतजार के बाद में आज वो घड़ी आ गई है जब अगले डेढ़ घंटे के बाद में पहला रुझान देश का हम आपको बताएंगे। हमारे तमाम सहयोगी तमाम मतगणना केंद्रों पर सुबह 6 बजे से ही तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और बिना किसी देरी के वापस राजधानी चलेंगे। आशीष चौहान हमारे सहयोगी कनेक्ट है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आशीष, कहां मौजूदगी आपकी, क्या हलचल इस वक्त? देखिए, जयपुर ग्रामीण सीट पर जो मतगणना हो रही है वो कॉमर्स कॉलेज में हो रही है और कांग्रेस से जो उम्मीदवार है अनिल चोपड़ा वो इस वक्त कॉमर्स कॉलेज पहुंच चुके हैं सुबह सवेरे ही। अनिल जी, सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं, माथे पर तिलक, मंदिर जाकर आए हो, क्या लगता है किसका होगा राज तिलक जयपुर ग्रामीण में? देखिए, मैंने सबसे पहले आज प्रातः मेरे आराध्य देवों के दर्शन करके उसके बाद अभी कुछ देर बाद यह मतगणना प्रारंभ होगी। सभी मेरे चुनाव के एजेंट उनसे मैं मिला, उनको प्रवेश करवाया और निश्चित रूप से मैं आपको बड़े अच्छे मन से कहना चाहूँगा कि आज जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस पार्टी स्वर्णिम इतिहास रचेगी और जिस नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने अपेक्षाओं से यहाँ पर भेजा था, जयपुर ग्रामीण की तमाम देवतुल्य जनता ने 19 तारीख को मुझे आशीर्वाद दिया और उसका परिणाम आज सबके बीच आएगा। निश्चित रूप से जो 10 साल का सूखा जयपुर ग्रामीण के अंदर था उसे कांग्रेस पार्टी इस बार खत्म करने जा रही है और एक अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी सामने। बीजेपी के कद्दावर नेता है राव राजेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैंने विश्वविद्यालय जयपुर ग्रामीण के अंदर प्रत्येक वर्ग की आवाज़ उठाई, काम किया और निश्चित रूप से जो आशीर्वाद दोनों हाथों से जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता का मुझे मिला, निश्चित रूप से मैं आखिरी सवाल, जीत का दावा आप कर रहे हैं अनिल चोपड़ा, दूसरी तरफ जो है राव राजेंद्र सिंह भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आप बने रहिएगा इस खबर पर। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे से हमारे साथ है, उन सभी का रुख कर लेते हैं। बीकानेर से हमारे साथ रौनक जुड़े हुए। रौनक, बीकानेर में दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और अब मतगणना की बारी है और किस तरह की तैयारी बीकानेर में? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, बीकानेर सबसे हॉट सीटों में से एक रही है। आप देखिए जिस तरह से लगातार चुनावी मैदान में दो बड़े चेहरे जो है इस बार देखने को मिले, अर्जुन राम मेघवाल की बात करूं, गोविंद राम मेघवाल की, दोनों की ही आज किस्मत जो है दांव पर। और निश्चित तौर पर आप देखिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें, इस बिल्डिंग के भीतर जो है दोनों ही बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। अगर बात की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज में, तमाम तैयारियां जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। देखिए, सुरक्षा के त्रिस्तरीय जो चक्र है उसको पार करके तमाम जो कर्मचारी जिन पर दारोमदार है आज इस मतगणना को लेकर के, वो यहाँ पर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे। एक लंबी कतार आप देखेंगे किस तरह से तमाम कर्मी जो अब मतगणना स्थल पर पहुंच गए हैं, एक लंबी कतार आप देख सकते हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि देखिए 11,08,418 वोटों की मतगणना जो है वो आज यहाँ पर होनी है, जिसको लेकर के 14 टेबल्स लगाई गई है, 16 हॉल बनाए गए हैं और उसमें आप देखिए अलग अलग विधानसभा वायर जो है राउंड्स में जो है मतगणना होनी है। हालांकि देखिए अगर बात करूं जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व और अनूपगढ़ 3 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है। रौनक, आपका रुख करेंगे लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 मतगणना कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। बता दें आपको, अधिकारियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम खोले गए हैं, ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें। मूवमेंट शुरू हो गई है, 6:30 बजते ही देखिए स्ट्रांग रूम खोले जाने लगे हैं, धीरे धीरे करके ईवीएम्स पहुंचेंगी और एजेंट्स अपना अपना काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, तो अधिकारियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम खोल दिए गए हैं और हमारे सहयोगी देवेंद्र भरतपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, आप किस तरह की हलचल भरतपुर में नजर आ रही है जब स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? साथ ही इसमें देवेंद्र, मैं ये भी समझना चाहूंगा कैंडिडेट्स की क्या मूवमेंट है, क्योंकि मसलन हर सीट पर कैंडिडेट अब देवदर्शन के लिए निकल पड़े हैं। कोहली साहब, जाटव, इन सब की क्या मूवमेंट इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए दोनों ही, चाहे रामस्वरूप कोहली की बात करें या संजना जाटव की बात करें, दोनों ही भरतपुर में मौजूद हैं। अपने अपने जो आराध्य देव हैं या कहें कि जो ठाकुर जी हैं उनकी शरण में हैं, भगवान की शरण में हैं दोनों ही। लेकिन अभी तक मतदान जो स्थल है या काउंटिंग स्थल है, यहाँ एमएसजे कॉलेज का जो टीचिंग ब्लॉक जहाँ पर मतगणना होनी है वहां पर नहीं पहुंचे। पहुंचेंगे कुछ देर में तो हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। अभी हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये जो लाइन है, मैं सभी को पीस कहूंगा, ये वो लाइन है जो मतदान जो काउंटिंग कराने वाले एजेंट है, जो काउंटिंग कराने वाले कर्मचारी है वो इस तरफ से जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लाइन है वहां से जो काउंटिंग एजेंट है या जो है उनको प्रवेश दिया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था की गई है और इस बार गर्मी से बचाव के लिए कूलर भी लगाए गए। मैं सहयोगी पीयूष को कहूंगा कि दिखाएं तस्वीरें के जरिए इधर से कि यहां पर देखिए आप, ये इस तरीके से कूलरों की व्यवस्था भी अलग से की गई है, कूलरों की व्यवस्था भी अलग से की गई है जिससे कि गर्मी में लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। मतदान कर्मी जो अंदर रहेंगे गर्मी के दौरान, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये वो ब्लॉक है जिनके अंदर यहाँ पर जो मतगणना होगी तो अंदर ये कूलरों की व्यवस्था की गई है जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के जरिए सबसे बड़ी बात है अखिलेश जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अखिलेश जी यहाँ पर की गई है, आप बताइए थोड़ा सा। डिटेल्ड सिक्योर प्लान है यहाँ पे श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में निकाला गया है। तो अंदर हमने जो जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सबके सामने मिनिमम सीआई रैंक और डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर्स को उनके जाप्ता के साथ में डिप्लॉय किया। थैंक यू। किसी भी मतलब अवांछनीय व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है? नहीं नहीं, सबको पास से अनुमति दी जा रही है और इवन मोबाइल भी जिसको अलाउड है वही लेके अंदर जा रहा है। तो ये थे अखिलेश शर्मा जो बता रहे थे कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था माकूल है और जो वैध जिनके पास है उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अलग मूवमेंट की बात करें प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस का सीट से खासी उत्साहित है भरतपुर, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जला है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जला है, लगातार इस सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है। कांग्रेस इस सीट को लेकर खासी उत्साहित है, बीजेपी का अपना दावा है। आप परिणाम, क्योंकि मतपेटिया सिलसिला अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, स्ट्रांग रूम से ईवीएम को जो टेबल है जहां लगाई गई है काउंटिंग टेबल वहां तक लाया जा रहा है और 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद 8:30 बजे के बाद में जो है ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, और मतगणना शुरू होगी, हम सभी को है इंतजार, हमने भी मोर्चा संभाल रखा है, आप लोग भी ग्राउंड पर हैं। लेकिन इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रुक करेंगे शशि का। शशि, एक लंबे इंतजार के बाद में फाइनली आज काउंटिंग डे आ गया है, 10 बजे से मतगणना शुरू भी हो जाएंगी और 10 साल के बाद करीब करीब राजस्थान में ऐसा माहौल दिख रहा है कि कांग्रेस फाइट में है बहुत सारी सीटों पर, क्या हलचल, क्या मूवमेंट इस वक्त? लेकिन शशि इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप एक बार जो पूरा प्रोसेस रहता है उसे भी विस्तार से बताइए।